उधर गुरुग्राम में शनिवार को बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, गृह मंत्री अनिल विज, संदीप सिंह, कमलेश ढांडा, बनवारी लाल, कंवरपाल गुर्जर मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री ओपी धनखड़ समेत बीजेपी के तमाम विधायक और पूर्व विधायक भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में चुनाव से पहले और बाद की परिस्थितियों पर चर्चा की गई। साथ ही मंडल से लेकर विधायक दल की बैठकों से जो सुझाव आए वो सुझाव बैठक में रखे गए। बैठक के बाद सुभाष बराला ने कहा कि 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में नतीजों पर मंथन हुआ। कार्य समिति के सामने सारी रिपोर्ट की गई है। शिकायतों पर पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है, जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और वहीं 7,80,000 से ज्यादा सदस्य बीजेपी से जुड़े हैं और 10 से 15 दिसंबर तक कार्यकर्ताओं का सत्यापन होगा। देखिए, ये अभी बहुत सारी चीजें इस प्रकार की आई हैं। एक बहुत एक साधारण सी बात होती है, उसको एक बहुत बारीक सी एक लाइन इसमें होती है कि कोई काम करता है, कोई काम नहीं करता, कोई काम करता है, कोई काम नहीं करता है, कोई विरोध करता है। तो सारी बातों का, जैसे मैंने बताया, विश्लेषण हमारा हो रहा है और रिपोर्ट हमारी सारी संजय भाटिया जी ने इसकी एक जो मोटे तौर पे प्रस्तुत की है, इसके आधार पर जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से इस प्रकार की बातें आएंगी, निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा है कार्रवाई होगी। दिसंबर से लेकर के और 10 दिसंबर तक सक्रिय सदस्यता ये की जाएगी, इसको रिकॉर्ड के ऊपर लेकर के आया जाएगा। इसके बाद 10 से 15 दिसंबर ये जो सक्रिय सदस्यता होगी, इसका सत्यापन होगा।